मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम करेंगे चैप्टर राष्ट्रपति। इसमें हम करेंगे राष्ट्रपति क्या होता है, उसकी क्या योग्यताएं हैं, उसका निर्वाचन कैसे होता है, उसकी शक्तियाँ क्या क्या हैं। तो करते हैं स्टार्ट। भारतीय संविधान के आर्टिकल 52 में यह उपलब्ध है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति। किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है यह आर्टिकल 52। अगर पूछा जाए आर्टिकल 52 क्या कहता है, तो कहता है कि भारत का क्या होगा, एक राष्ट्रपति। नेक्स्ट है, राष्ट्रपति का वर्णन हमारे भाग 5 संघ के अंतर्गत आता है। कौन से भाग? भाग 5 के अंतर्गत। इसमें आर्टिकल 52 से 151 तक है। इस भाग 5 में कितने आर्टिकल आते हैं? 52 से 151 तक। इसी अनुच्छेदों में आर्टिकल 52 से 61 तक राष्ट्रपति से संबंधित है। तो राष्ट्रपति से संबंधित आर्टिकल कौन कौन से हैं? 52 से लेकर 61 तक। कौन कौन से, कौन कितने हैं? 52 से 61 तक आर्टिकल क्या बताते हैं? राष्ट्रपति से संबंधित है सभी आर्टिकल। भारत के राष्ट्रपति को शपथ मुख्य न्यायाधीश दिलाते हैं। कौन दिलाता है भारत के राष्ट्रपति को शपथ? वो दिलाता है मुख्य न्यायाधीश। अब आर्टिकल 53 क्या कहता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताता है। आर्टिकल 53 क्या बताता है? संघ की कार्यपालिका शक्ति को बताता है। भारतीय संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी। कहाँ निहित होती है? राष्ट्रपति में। तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। तो सारी कार्यपालिका शक्ति किसके अंतर्गत होती है? राष्ट्रपति के अंतर्गत। वह या तो खुद करेगा या जो उसके अधिकारी है उनके सहमत से करेगा काम। राष्ट्रपति कार्यपालिका का औपचारिक प्रधान होगा। कार्यपालिका औपचारिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। तथा और प्रधानमंत्री सहित मंत्रिपरिषद कार्यपालिका वास्तविक प्रधान होता है। अगर पूछा जाए कार्यपालिका का वास्तविक प्रधान कौन है, वो है प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद। औपचारिक कौन है? तो राष्ट्रपति बताया जाएगा। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को कहते हैं राष्ट्रपति। भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को कहा जाता है राष्ट्रपति। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया। किसकी व्यवस्था को अपनाया गया? ब्रिटेन की। अब राष्ट्रपति के चुनाव के लिए जो राष्ट्रपति के पद पर खड़ा होता है उसके लिए क्या क्या योग्यताएं वे हैं? सबसे पहले तो वह भारत का नागरिक होना चाहिए। वह 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका, मतलब कम से कम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष। वह लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। किसका? लोकसभा का। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हो राष्ट्रपति पद को उम्मीदवार नहीं हो सकता। मतलब कोई किसी भी लाभ के पद पर हो तो वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए खड़ा नहीं हो सकता। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्य के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो राष्ट्रपति होता है वो भारतीय संसद के दो सदन होते हैं, राज्यसभा और लोकसभा, उनमें से वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होगा। राष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक मंडल में 50 प्रस्तावक तथा 50 अनुमोदक होने चाहिए। कितने होने चाहिए? 50 तो प्रस्तावक होने चाहिए और 50 अनुमोदक होने चाहिए। अब राष्ट्रपति का चुनाव कौन सी विधि से होता है? वो है राष्ट्रपति का चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर तथा अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए कौन सी पद्धति अपनाई गई है? एकल संक्रमणीय मत पद्धति। दूसरा, अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति को अपनाया गया है। अब अप्रत्यक्ष निर्वाचन का क्या अर्थ है? राष्ट्रपति के चुनाव में निम्न शामिल होते हैं। संसद के दोनों सदस्यों के निर्वाचित सदस्य। कौन कौन? संसद के जो दोनों सदस्य उसके सभी निर्वाचित सदस्य। राज्य विधानमंडलों तथा 70वें संवैधानिक संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य भी इसमें शामिल होते हैं।
नष्ट एकल संकरणीय मतपत्ति, इसका क्या अर्थ है? राष्ट्रपति का चुनाव एकल संकरणीय मतपत्ति के अनुसार होता है। इस चुनाव में मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, मतलब गुप्त मतदान होता है, और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। मतलब कि न्यूनतम होता है कि कम से कम इतनी वोट तो जरूर होनी चाहिए अगर राष्ट्रपति बनना है तो। अब न्यूनतम कोटे का निर्धारण कैसे होता है? दिए गए वैध मतों की संख्या, जितने भी वैध मत पड़ने उनकी संख्या, अपॉन निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या, मतलब कितने राष्ट्रपति के चुनाव के लिए व्यक्ति खड़े हैं, और फिर जो आंसर आता है उसको कर देंगे 1000 से डिवाइड, तब न्यूनतम कोटे का निर्धारण होता है। पदोन्नति की पत्ति, महाभियोग, राष्ट्रपति का कार्यकाल होता 5 वर्ष, बट इससे पहले भी राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है, किंतु आर्टिकल 61 के अनुसार संविधान का उल्लंघन किए जाने पर राष्ट्रपति तथा तो राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, या तो संविधान का उल्लंघन करे या राष्ट्रपति किसी विदेशी राष्ट्र के प्रभाव में आ जाए, तब भी राष्ट्रपति को क्या करना पड़ता है? अपना त्याग पत्र देना पड़ता है। अब वो दिया कैसे जाता है? संविधान में दी गई पत्ती के अनुसार उस पर पहले तो लगेगा महाभियोग। क्या लगेगा? महाभियोग लगाकर उसे पदयुक्त किया, मतलब उसके पद से हटाया जा सकता है। अभियोग लगाने का अधिकार संसद के प्रत्येक सदन को है, ये नहीं कि सिर्फ लोकसभा को, दोनों सदनों को, लोकसभा को भी और राज्यसभा को भी। इसके लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए, या जितने भी सदन हैं, जो भी सदन उस पर हम अभियोग लगा रहा है उसके टोटल सदस्य का 1/4 तो जरूर होना चाहिए। संसद में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा। कितने दिन बाद? 14 दिन बाद उस पर अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा 14 दिनों तक। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, मतलब कितने सदस्यों द्वारा? 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए, तो उसके बाद दूसरे सदन में उसे भेज दिया जाता है। अब दूसरा सदन इन अभियोगों को स्वयं जांच करता है या एक विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में 2/3 बहुमत से महाभियोग का प्रस्ताव स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि से राष्ट्रपति अपने पद से हटाया हुआ समझा जाएगा। पहले तो कोई भी सदन इस पर लगा सकता है महाभियोग, और वो 14 दिन तक उस पर होती है सुनवाई। अगर 2/3 बहुमत से महाभियोग स्वीकार कर लिया जाता फिर भेजा जाता दूसरे सदन में, फिर दूसरे सदन में भी सुनवाई होती है, और 2/3 सदस्यों द्वारा अगर स्वीकार कर लिया जाए तो राष्ट्रपति को अपने पद से इस्तीफा देना होता है। नष्ट राष्ट्रपति की शक्तियाँ और कार्य दो भागों में बांटा गया है, समयकालीन शक्तियाँ अथवा अधिकार। समय के अनुसार जो शक्तियाँ हैं, सबसे पहले कार्यपालिका अथवा प्रशासन संबंधी शक्तियाँ, ये आर्टिकल 53 में। आर्टिकल 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करता है। इस प्रकार शासन की समस्त कार्य राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उससे ही माने जाएंगे। किससे? राष्ट्रपति से। महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति व पदच्युति, मतलब पद से हटाना, यह प्रधानमंत्री की सलाह से, किसकी सलाह से? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति करता है कौन? राष्ट्रपति। किन किन की? प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश, महालेखा परीक्षक, संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य तथा विदेशों में राजदूत आदि की नियुक्ति करता है राष्ट्रपति। शासन संबंधी, शासन संचालन संबंधी शक्तियाँ, इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं।
वह संसद के दोनों सदस्यों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों वह कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रण व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित नियमों का निर्माण करता है। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है, उसी मतलब राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। सैनिक शक्ति में शक्ति, सैनिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है। कौन होता? तीनों सेनाओं का प्रधान सेनापति होता है राष्ट्रपति, किंतु इस अधिकार का प्रयोग वह कानून के अनुसार ही कर सकता है। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते राष्ट्रपति वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करता है। वह विदेशों में स्थित भारतीय राजदूतों के लिए राजदूतों एवं काल्पनिक कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति व इनके द्वारा दिए गए प्रमाण पत्रों को स्वीकार व विदेशों से संधि और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। अब विदेशों में जो राजदूत नियुक्त होते हैं और जो उनके प्रतिनिधि होते हैं उनकी नियुक्ति करता है, साथ ही जो विदेशों के साथ जो समझौते होते हैं, संधियाँ होती है, वो भी किसके नाम से होती है? राष्ट्रपति के नाम से। नेक्स्ट, अब राष्ट्रपति की विधायक शक्तियाँ। भारत का राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान होता। कौन होता? वैधानिक प्रधान। उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है। इस रूप में राष्ट्रपति की निम्न शक्तियाँ हैं। विधायी क्षेत्र का प्रशासन, संसद के अधिवेशन को बुलाना, समाप्त करना, प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व ही भंग करना, संसद के प्रारंभ में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देना तथा अन्य अवसरों पर भी संसद के को संदेश या उनकी बैठकों में भाषण देने का कार्य राष्ट्रपति द्वारा शासन की सामान्य नीति की घोषणा के लिए किया जाता है। नेक्स्ट है, सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। राष्ट्रपति को राज्यसभा के 12 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार होता है। विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग, संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद कानून का रूप ग्रहण करता है। कब? जब तक राष्ट्रपति की स्वीकृति नहीं मिलती तो कानून नहीं बन सकता। अगर राष्ट्रपति स्वीकृति दे देता तो भी कोई भी विधेयक कानून बन सकता है। वह साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा भी सकता है, लेकिन यदि वह विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी ही होती है। अध्यादेश जारी करने की शक्ति, जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है। ये अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहते हैं, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त किया जा सकता है। मतलब 6 हफ्ते तक लागू हो सकता है जो राष्ट्रपति ने अध्यादेश जारी किया है, बट संसद की स्वीकृति के पूर्व भी उसको एक समय से पहले भी समाप्त किया जा सकता है। वित्तीय शक्तियाँ, राष्ट्रपति वित्तीय वर्ष के दोनों सदनों में आय व्यय का विवरण रखवाता है। इसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। कोई भी धन विधेयक हो या कोई भी अनुदान मांगो, वो राष्ट्रपति की स्वीकृति के बिना लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। नेक्स्ट, न्यायिक शक्तियाँ, राष्ट्रपति को समाधान व दंड प्राप्त व्यक्तियों को कुछ समय के लिए दंड को स्थगित करने का अधिकार है। संकटकालीन अधिकार, उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में प्रयोग, सबसे पहले युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति की स्थिति में संबंधित संकट। जब कोई युद्ध हो रहा हो, कोई बाहरी आक्रमण हुआ हो या कोई आंतरिक अशांति फैली हो, तब राष्ट्रपति क्या करता है? तो ये शक्ति आती है आर्टिकल 352 के अंतर्गत। इसे राष्ट्रीय आपातकाल कहते हैं। यह भारत में अब तक 3 बारी लग चुका है।
नेक्स्ट है, राज्य में संवैधानिक तंत्र के विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, यह आर्टिकल 356 के अंतर्गत, यह राज्य में राष्ट्रपति शासन से रिलेटेड है। नेक्स्ट है वित्तीय संकट उद्घोष की विधि, आर्टिकल 360 के अंतर्गत है, यह भारत में अभी तक एक बार भी नहीं लगा है। महत्वपूर्ण बातें, आर्टिकल 52 बताता है कि भारत का क्या होगा एक राष्ट्रपति, 53 बताता है संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में, 54 राष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में, 55 राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति से की एकल संकरणीय मतपत्ति का प्रयोग, आर्टिकल 56 राष्ट्रपति के कार्यकाल से रिलेटेड, 57 पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता, 58 मतलब उसे दोबारा चुनाव के लिए चुना जा सकता है, 58 राष्ट्रपति पद की योग्यताएं, 59 राष्ट्रपति पद के लिए शर्तें, कम से कम 15,000 रुपये की जमानत राशि देनी होगी, दूसरा पागल ना हो और दिवालिया ना हो। आर्टिकल 60 राष्ट्रपति द्वारा शपथ के बारे में, 61 राष्ट्रपति पर महाभियोग के बारे में, 72 राष्ट्रपति किसी भी अपराधी के दंड को क्षमा कर सकता है। अगर क्वेश्चन आए भारत का प्रथम राष्ट्रपति कौन है, वो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये कहाँ के थे, बिहार से। एकमात्र व्यक्ति जो दो बार राष्ट्रपति बना वो भी कौन है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति प्रतिभा सिंह पाटिल, निर्विरोध जीतने वाले राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी, पहले मुस्लिम राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, राष्ट्रपति जिनकी मृत्यु कार्यकाल के दौरान हुई है वे है डॉक्टर जाकिर हुसैन और फरूख फखरुद्दीन अली अहमद, राष्ट्रपति अपना त्याग पत्र उपराष्ट्रपति को देता है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति की कोई भी सीमा नहीं है, भारत के राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया महाभियोग यूएसए के संविधान से लिया गया है, द्रौपदी मुर्मू जो वर्तमान में भारत की राष्ट्रपति है वो 15वें नंबर की राष्ट्रपति है, यह सबसे युवा राष्ट्रपति बनी है, यह संतत भारत में जन्म 20 जून 1958 लेने वाली पहली राष्ट्रपति बनी है, यह एक पहली आदिवासी नेता है जो राष्ट्रपति बनी है, यह केवल 2015 से 21 तक झारखंड के राज्यपाल रह चुकी है, यह पहले अगर पूछा जाए राष्ट्रपति बनने से पहले द्रौपदी मुर्मू क्या थी तो वो झारखंड राज्य की राज्यपाल थी 2015 से 21 तक, इन्होंने 25 जुलाई 2022 को राष्ट्रपति पद के लिए शपथ ली है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना ना भूलें, साथ ही बाकी की वीडियो के लिए गीता ठाकरानी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।